हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू अभिषेक शर्मा ब्लॉग। और मैं हूँ घर पे, मैं दोपहर में घर आई हूँ क्योंकि इस बच्चे को खाना खिलाने आना होता है हमें। तो सैटरडे बीच में से या तो मैं आती हूँ या नानू आती है, तो आज नानू कहीं गई है बाहर, तो शायद उसने वीडियोज़ बनाए होंगे, वो आपको आगे मिल जाएंगे। और मैं आई हूँ आज घर पे इसको खाना खिलाने। भैया जी को, भैया जी खाना खा लिया, गुड बॉय हो गए गुड बॉय। मम्मा जाए मम्मा कुछ नहीं प्ले करनी इसको। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं ऑफिस के काम से, एनीवेज ऑलवेज ऑफिस का काम, बैकग्राउंड देखे कुछ और समझ रहे हो, सो जस्ट वेट। सो गाइस सी, दिस इज मुंबई की गंगा, ये है मुंबई की बान गंगा। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड कुछ अजीब लग रहा था, तो ये है एक्चुअल बैकग्राउंड आज जहाँ पे मैं आई हूँ, आज मेरा काम यहाँ पे है। तो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, अभी मैं ऑफिस के टाइम पे हूँ एंड ऑफिस के काम से हूँ, तो काम तो करना पड़ता है ना, बट काम के टाइम पे ऐसे ऐसी जगह घूमने मिल जाए तो क्या ही कहना है। तो जिनको भी नहीं पता है कि मुंबई में ऐसा भी कुछ है, तो यस देयर इज बान गंगा, सर्च करो मुंबई में, यू विल गेट इट। एंड यहाँ पे कुछ रिचुअल्स वगैरह सब चल रहे हैं, बिकॉज आपको पता है गंगा हो और वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना चले तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने आपको एक भी, यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर टेम्पल है, टेम्पल में एनीवेज आप फोटो वीडियो नहीं कर सकते, बट बाहर से ज़रूर दिखाऊंगी। तो जस्ट तो गाइस ये है यहाँ का बान गंगा टेम्पल। अ शूट इज गोइंग ऑन, लुक। अपने हम दोनों की रूटीन ऑलरेडी देख ली, हम घर आ चुके हैं। मैं वहां से मतलब बाणगंगा से ऑफिस जाने के बाद मैंने कुछ शो नहीं किया, क्योंकि वहां से मैं डायरेक्ट ऑफिस गई थी आफ्टरनून में। एंड उसके बाद आफ्टरनून के बाद की चीजें रिचा ने अपने ऑफिस के दिखाई होंगी, ऑफिस की आफ्टरनून में ये घर आई थी, तो उसके बाद या पहले मैं ऑफिस पहुंच चुकी थी, इसलिए मेरी साइड की चीजें आपको नहीं दिखी। और अब हम पहुंच चुके हैं दोनों बैक टू ऑफिस। देखा दोनों ने ऑफिस बोला, हाँ मैंने ऑफिस बोला, हो पीछे ऐसा कट्टा लग रहा है, हाजरी वाला तुम्हारा। Guys, ignore that part. And look at this part. This is so cute. Oh my nice. God. So, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये माय पंपकिन, पंपकिन। हेलो हनी बनी। हाँ जी। तो जैसे हमारा ये वाला जो बीन बैग है। जी। ये वाला बीन बैग के साथ हमें यहाँ एक कारपेट बिछानी है। ओके। और उस कारपेट पे ये दो बीन बैग्स रखने हैं। ओके। विद साइड में छोटा सा, जैसे एक ये वाला हमारा वो उधर है, एक हमारा ये वाला क्या होता है स्टूल एक साइड में रखेंगे। okay. इसके ऊपर कुछ बुक्स रखी होंगी, स्टूल के ऊपर बुक्स, या फिर नीचे बुक्स रखी होंगी कारपेट के ऊपर, स्टूल के नीचे, अरे स्टूल के नीचे नहीं कारपेट पे। अच्छा, ओ उस पर फिर एक चावल पड़ा होगा, चावल मतलब दो अच्छे वाले जो चद्दर टाइप्स होती है वो पड़ा होगा, पूरा से इमेजिन कर लिया है। I'm so imaginable person, guys. और आज खुशखबरी ये है, खुशखबरी है हाँ, ओ कि कल मेरी छुट्टी है, ओ कल मेरी छुट्टी है, ओ कल मेरी छुट्टी है, और नानू की तो नहीं है, ये दुखखबरी है नानू के लिए, और नानू की तो नहीं है, ओ नानू की तो नहीं है। मैं ज्यादा नहीं झुक सकती है, गड़ला बड़ा है इसका। तो बात यही थी बस, और अभी हम आके आते ही सीधा हमने पहले काम कर लिया, सफाई कर ली, और हमारा काम खत्म हो चुका है, और हमारा काम खत्म हो चुका है। अब बज रहे पूरे आठ, अभी आठ ही बजे, आठ होने वाले, हम जल्दी, हाँ सवा आठ ही हुआ, नहीं हम सेम ही टाइम पे पहुंचे आज भी घर, तो आज हमारा काम हो चुका है, बर्तन धो लिया, उसमें खाना खा लिया, झाड़ू लग गया, पोछा लगाया नहीं, पोछा कल लगाया, कल तो मैं छुट्टी, आराम से सफाई वही करेंगे। तो आज मैं कह रही हूँ कल मैं अकेले को सारा सेटअप नहीं कर पाऊंगी, तो आज थोड़ा तो सेटअप कर लेंगे, उससे मेहनत करा ले जाए, थोड़े से घर में जो सामान आया है ऑलरेडी उसको पहले लगा ले जाए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे सामान पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, जब फिर समेट रहे थोड़ा ढंग ढंग से कर ले, क्योंकि फिर इसके पास भी टाइम नहीं, एक दिन की छुट्टी लड़की को रेस्ट दे देंगे, कुछ नहीं कराएंगे इससे।
ठीक है ठीक है, बस सब्जियां कटवाएंगे, खाना बनाएंगे। तो क्या करेंगे बताओ, अंदर वाले रूम का करें, थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ उसके बाद हाँ, बस ठीक है फिर। तो अभी रेस्ट करेंगे, मुंजा लगा लिया, खाना खिलवाएंगे। गाइस खाने का बड़ा टेंशन रहता है, आप बताओ भाई वाला, और आप हमसे मोटिवेशन तो ले ले तो, पर हमसे पूछो कि हमारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आती है सब करने की। मोटिवेशन ये रहता है हमें, नहीं हमें मोटिवेशन ये है कि हमारे लिए कोई कोई कुछ नहीं कर सकता, हमें खुद ही करना है। तो इसलिए बेचारे हम थक हार के प्यारे से बच्चे, जब एकदम एकदम कुछ नहीं रहता ना हमारे पास, यार नहीं करेगा हमारे लिए, चलो तरफ इसको। हाँ तो हमें लगता है कि भाई कोई तो नहीं करेगा, खुद ही करना पड़ेगा सारी चीजें। तो इसलिए बेचारे हम सुबह जाते हैं उठ के नींद जाओ, आधी नींद में हम जाते हैं सुबह सुबह, और फिर आधी नींद में ही आ जाते हैं वहाँ पे, और फिर एक बज जाता है पता नहीं कैसे सोते सोते, और फिर हम ऐसे हो जाते हैं। फिर क्या ऐसे ही कर रही है तू मेरे को? हाँ सोते सोते एक बज जाता है कैसे, मैं डेली तो। हाँ इसको बता दो ये कैसे लग रही थी आज, और हमें मोटिवेशन कैसे नहीं मिलते, फिर हम लोग अकेले ही तो हैं, खुद तो करना है, हमारे लिए कौन करेगा कुछ। तो आप लोग भी नहीं किए थोड़ा सा हमें बोलो, अरे वाह वेरी गुड नाइस, आप लोग भी ऐसे नहीं बोलते, तो इस बात पर क्या नाराज हूँ आपसे। आप हमसे मोटिवेशन लेते हो, आप हमें मोटिवेशन थोड़ी दे भी दिया करो यार, कि हम भी मोटिवेटेड रहें। फिर मैं बहुत बार, वैसे मैं बहुत बार डीमोटिवेट भी होती हूँ, बिल्कुल बहुत बार होती हूँ, बहुत बार। फिर जब मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखती हूँ काम करते करते, स्पेशली प्रियंका चोपड़ा को, यार आज उनका शूट था एक बड़ा प्यारा सा, तो उनको उनको जब मैं देखती हूँ कि हाँ भाई जो भी, तो उनको जब मैं देखती हूँ तो मेरे को लगता है नहीं 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 नहीं, और क्योंकि वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी हर एक बात मुझे यहाँ लग जाती है एकदम, कि नहीं यार करना है, हमें भी करना है। तो बस यही है, और नाउ ओवर टू रानूस। केस भी लगनी थी कुर्ते में, जो कुर्ता बाबू गाइस वो वही है जो अभी मैंने रील डाली है रिसेंट, वही कुर्ता पहना है दिवाली वाला। तुम तो बड़ी छोटी चड्डी पहन के बैठी हो आज, गाइस बहुत शॉर्ट कपड़े पहनने लग गई है, इतना बड़ा खिसक गया नीचे। क्या कहना चाह रही थी बोलो, चल गया था वो, बोलो क्या कहना। मैं तो पूछ रहा था, मैं क्या सुन रहा था, मेरे पास सामने आज ऑफिस में बोला, ओ सुना ना इंडियन, ओ माय गॉड, इसीलिए आज पूरे दिन से कुर्ता नहीं उतारा ऑफिस में जाने के बाद भी। मैं दो घंटे की इतनी कोई नहीं भाव, तू उनमें से है कि तुझे अगर नहीं समझ आता ना तो तू एक आधा एक घंटा भी नहीं पहनती, ठीक है इतना तो जानती हूँ तेरे को। प्लीज प्लीज, ओ बड़ा प्रेस, एक टी शर्ट प्रेस करने में तुम्हें बड़ा हार्ड हो जाता है। जुगाड़ देखते है, चलो बाय। हमारे घर में ना बहुत ठंड आती है, हमारे घर में स्नोफॉल भी होती है, आपके घर में नहीं होते ना स्नोफॉल, हमारे यहाँ गर्मी बारिश बरसात ठंड सब में स्नोफॉल होती है। देखो इसे, इतनी स्नोफॉल हो रही है कि हमारा ऑस्कर भी वाइट हो गया, और मैं दीवारें भी वाइट हो गई, सारी बर्फ वहीं पर चिपकी है, और अंदर से जहाँ से नानू ने ढक रखी है वहाँ भी पूरा वाइट है। इसको इतनी ठंड लगती है भाई, नहाती नहीं है क्या? अब बोले क्या, अभी चुप पड़ी, देखा इसका मुंह निकलवाने का तरीका, इतनी इसको इतनी ठंड लगती है कि फैन चला रहे तो फिर फैन बंद कर दिया, मैंने एक कम भी कर दिया तब भी सुखड़ी पड़ी है भाई ये। बट एनीवेज हमारी तो मुंजा, किसी ने लिखा था कमेंट में कि देखो देखो अच्छी मूवी है, बट हमारी अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी शायद आज खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी है। हम चार दिन से मुंजा देख रहे हैं, हम मिस्त्री 2 देख के आ गए, बट हमने मुंजा नहीं देखी, बट आज खत्म हो जाएगी। और यहाँ हमारा है आज स्पेशल डोमिनोज का पिज्जा, ओह माय गॉड, ओह नाइस, ओह नाइस, नहीं ना नहीं रुको गाइस, एक सेकंड मैं 2 मिनट में आती हूँ, उन्होंने पिज़्ज़ा तो भेजा है, रुको रुको। मैंने आपको रोका था कि कुछ तो हुआ है पिज़्ज़ा में, क्योंकि मुझे नानू को कुछ बोलना था, वो ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेयर है, ये दिख रहा है, ये बाल है पिज़्ज़ा में, डोमिनोज से मंगाया हमने अभी, बस खोला ही आप लोगों के सामने, और देखो बाल निकला है उसके अंदर है वो एक्चुअली, और अंदर है यहाँ पे, मतलब वो ना यहाँ पीछे बेस में है आई गेस, बेस के नीचे तक है वो पूरा। हाँ तो अरे नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर से खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मन नहीं होता बनाने का घर में, तो बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ता है गाइस। तो कभी भी आप लोग भी अगर बाहर से खाना खाते हैं, एंड ऑफ कोर्स सभी कोई ना कोई बाहर से खाना खाते ही हैं,
तो प्लीज़ ध्यान से देख के खाएं और थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करके खाना चाहिए। सो दिस इज़ आर कंप्लेन। और हमने अभी भी कंप्लेन करी है और डोमिनोज पे, तो मैंने भी कॉल किया था डोमिनोज वालों पे, मैंने डायरेक्ट कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपका टिकट नंबर ये और आपका अभी कोई कंसर्न पर्सन कॉल करेगा। और ना उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे जहाँ से हम मंगा, मतलब जो यहाँ का नियर बाय डोमिनोज स्टोर है वहीं पे कॉल किया था, तो उन्होंने बोला है कि हम आपका रिपीट चेंज करवा देते हैं। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा अगैन फॉर 20 to 30 minutes के भाई वो लाएगा बना के और ये वाला लेके जाएगा। तब तक वापस हम अपनी मुंजा देख लेते हैं। भूख लग गई तुमको? ये तो खा ले। हाँ ये खा लेता है, एक तो खा ही सकते हैं। गाइस मेरी ये देखो पार्टी आएगी मेरे डोमिनोज की आगे सारे। मैंने इतनी बार कंप्लेन करने के बाद 9 बजे का ऑर्डर किया हुआ, हमें 10:30 बजे मिला है। और बात यह है कि हमने वो पिज्ज़ा जो नहीं खाया, एक खा ली क्योंकि एक ठीक था और एक वापस इसी में पड़ा हुआ है जो हमने नहीं खाया है, वो बाल वाला पिज्ज़ा देखो पीछे दिख रहा है। उसके एक्सचेंज में इन्होंने वापस हमें 2 पिज्ज़ा भिजवा दी क्योंकि इन्होंने हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद पिज्ज़ा भिजवाया, 1 घंटे से ज़्यादा और भूख लग रही है लिटरली, हमारे इतनी ज़्यादा भूख लग गई है। चलो पर पिज्ज़ा खा ले, अभी ये तो नहीं खा रहे वो वाला खाएंगे, मैं तो नहीं खा रही है वाला। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई वो, और ये रही वो घड़ी। वाओ इसमें बज रहे हैं 11:15 पर ये पुरानी घड़ी है। What a sense of hammer I have। जो इसको नहीं समझ आया आपको आ गया, I know आपको भी नहीं आया। So what the sense of you have? Like nana। Oh, oh। क्या? ए, बस। इसने एक काली घंटिया सी वो डाली है उसमें, उतना बार वो बोला और आप लोगों ने बताया अभी कि 15 बार वो बोला। बस यार ओ घड़ी आई है, ओ अब हम यहाँ लगाएंगे, ओ अब क्या होगा, ओ माय गॉड। मिनी व्लॉग बना भी लिया करो। ओ बन ये फोन रखती है अपने फोन, मैं बताती हूँ इसका फोन क्यों यूज कहाँ है, ये ज्यादा यूज होता है। ओके इसका फोन सिर्फ यूज होता है इसके ऑफिस की चीजों के लिए, सीरियसली बोल रही हूँ मैं। इसके फोन में आप देखोगे तो जैसे बाहर कहीं जाते हैं, जैसे आज के ब्लॉग में हमने जो पहले वाली चीजें देखी है तो वहां का शूट के फोटोज रहेंगे। अब क्योंकि मेरे फोन में मैं अपने फोटोज भी अपने फोन में क्लिक करती हूँ, या फिर कभी कभार जब हमें हम दोनों के पिक्चर्स क्लिक करने होते हैं जो कि इसको याद नहीं रहता, जो मुझे याद दिलाने पड़ते हैं इसे को कि भाई हमें वीडियो बनानी है, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई भी हो जाती है, वीडियो बनानी है या फोटोज क्लिक करने हैं, वो फ्रंट से अगर हमें बनानी है हम दोनों की, तो इसका फोन यूज होता है। एल्स इसके फोन में कुछ यूज नहीं होता, या तो इसका फोन में ये चैटें करती रहती है अपने, वो भी किससे चैटें भी किससे होती हैं इसकी ऑफिस की टीम से, या फिर इसका फोन के कैमरे में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसके ऑफिस की फोटोज होंगी क्योंकि इसके फोन में मेरी ऊपर फोटोज कोई भी न्यू फोटो नहीं है। और इसका फोन ये व्लॉग्स वगैरह के लिए तो यूज होता ही नहीं है। अब इतना भी नहीं है इस लड़की को कि मिनी व्लॉग्स भी ये खुद बना ले। एंड देन यू गाइस से कि नानू का भी नाम डाल दो चैनल में, कुछ काम करवा, बोलो इसको बोलो काम करवाए, थोड़ा सा गुस्सा हूँ मैं इस बात से इसके लिए, वो तो सुन लिया मैं गुस्सा हूँ इस बात पे इससे, पहले भी यही बोला था। नहीं इसके लिए बोल दिया था मैंने। अच्छा तो गाइस इसको बोलो कि मिनी व्लॉग्स नहीं, अच्छा। कि मिनी व्लॉग्स बना लिया करे अपने फोन में क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं कहीं ना कहीं अगर व्लॉग से ही मैं मिनी व्लॉग्स की चीजें निकालती हूँ और फिर उनको एडिट करके मैं, क्योंकि मुझे रील्स भी डालनी पड़ती हैं, फिर YouTube पे डालो, फिर Insta पे डालो, फिर अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी डाले तो थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स हमें मिले, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट है कि अब भी एक आध महीने में ही हमें 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हम कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ये भी करे, तो आप समझाओ। अब गूंगी मधान बन जाती है ये, अब भी नहीं बोल रही कि हम क्या करने जा रहे हैं, देखो कभी बीच में बोलते तो मेरे को बोलते रहते, नहीं बोलेंगे कहाँ चुप हुई, हमें चुप हो गए, बोल चल अभी हम लगाने वाले हैं क्या कुछ तो, इधर क्यों उधर बगाए इसको बतानी है, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई है तो हम ये लगाएंगे। गाइस निप्पल कवर लगा रही है अपने भाई जलोकड़ी इसमें मैं किस जलू, नहीं क्या जलोकड़ी मतलब क्या, किस बेस पे जलू मैं, जलने लग क्या था इसमें, इरिटेट हो गई नानू ये गाइस
तो बात यह है कि अभी जलेगी तो ये अब दिव्य शक्ल देखना अभी जब मैं बोलूंगी एक लाइन। तो हम करने जा रहे हैं इस वॉल पे डेकोरेशन, तो उस वॉल के डेकोरेशन के लिए जो यहाँ दो मेडल्स है ना वो हटाने पड़ेंगे और वो यहाँ नहीं लगेंगे अब दोबारा। हम इसका चेहरा देखो। इरिटेट तो हुई, गुस्से तो आई तुम्हें, तुम्हें अजीब तो लगा, बोलो नहीं लगा। मैं तो नहीं हटाने दूंगा, लटकाऊंगा अपनी अलमारी में लटका ले। गाइस ये देखो कहाँ कहाँ से यूरोप गई थी भागने, फिर अफ्रीका गई भागने, ये देखो हमारी इंडियन लड़की। अब लगाएं ये, हटाओ पहले, उतारना। मैंने उतारा, उतारेंगे तभी तो लगेगा। मैंने उतार रहा, उतारना तो वैसे ही पड़ेगा, हो गया अभी। अपनी सारी चीजें लगा देते, मेरे को भी क्या है मेरी चीज यहाँ पे बताना। इन दीवारों पे कहीं मेरा कुछ दिख रहा है आपको? एक इसके अलावा जो दीवार से चिपकी रहती है ये। मेरी छपकली जैसी शकल की लड़की, मैं बेटा कर तो काम कर, कोई इंदर को कुछ कर, बाबू तू कर, तू कर काम कर। गाइस हम जरा एंगल देख लें क्योंकि हमें वीडियो का एंगल देखना है कि हमें ये स्टिक का करना है, और ये स्टिक क्यों करना है निपल कवर्स वो भी बताएंगे आपको, वॉल पे स्टिक करना है। जा लड़की को चैन नहीं है बिल्कुल भी। जा मोड़ी को चैन नहीं है, पता नहीं आधी रात में क्या क्या मंगाया जा रही है। ये लड़की कहा मंगा दी तुम दीदी, कितने चार हैं बस, तो आठ हो गए ना। अच्छा ने अडहेसिव मंगाए, अडहेसिव। एक्चुअली हम लोग अभी इसी में लगे थे कि वहाँ पे ये लगाना है तो वॉल पे ही चिपकाना है, तो किससे चिपकाएं, तो 10-15 मिनट से हम लेटे ही हुए हैं। आ तो गए तो बड़े एक्साइटमेंट में करना है, पर हमारे पास वो खत्म हो गए, तो बिना उन्होंने फटाक से ब्लैंकेट किया, ब्लैंकेट जैप्टो किया, तो जैप्टो ब्लैंकेट और ये स्विगी इंस्टा मारने, भाई इतना दीज आर सच में सेवियर्स फॉर एनी वन और फॉर एवरी वन, कि कुछ भी नहीं है आप तुरंत ऑर्डर करो सब मिल जाता है, तो जरा इसको परेशान कर लो थोड़ा सा वरना ये मेरा दिमाग खा जाएगी। चुकलो। मैं ऐसे लाइट में दिख के आपको समझ तो आई होगी कुछ तो हो गया है, ठीक है। पहले जल रही थी पूरी तरीके से लाइट, अब हमारी ईवी शर्मा ने इस रूम में किए हैं कुछ कारनामे, तो उस कारनामे को हम आपको बहुत ही जल्द दिखाने वाले हैं, क्योंकि एक दो चीज़ें मैडम अंदर बार कर करके कुछ तो कर रही है। अब बात यह है कि इसी कारनामों के बीच में हमारी मैडम को लग गई चोट। क्या लग गई? लग गई चोट। थोड़ा और छोटा करें क्या उसको? इसको फ्लावर फुलवारी को नहीं, यहाँ तो दूसरा फ्लावर आएगा, ये तो मैंने अभी ऐसी रख दिया। नहीं यार अच्छा लग रहा है वो भी, इस साइड कर दे मूज का, हमारी साइड टेढ़ा नहीं होता क्या? ओके गाइस, तो बी रेडी फॉर द न्यू डेकोर ऑफ आवर सेकेंड स्टूडियो ऑफ आवर होम ईवी, नहीं प्रेजेंटिंग ईवी शर्मा। टन 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 गाइस, सो आवर वॉल इज रेडी। सो ये है हमारा नया सेटअप, जो यहाँ पे आपको हमारे बैठने वाले वीडियो शूट चैलेंजेस मिलेंगे, क्योंकि जो हम अक्सर करते थे हमारे पुराने वाले घर में वो ग्रीन वॉल से, तो इस बार हम ग्रीन वॉल से बहुत ज्यादा पक गए थे। एक्चुअली हम उसी घर में पक गए थे, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने सोचा कि जब भी हम नए घर में या फिर जब भी हम कुछ करेंगे हम तभी चेंज करेंगे उसे, बट फाइनली समहाउ ये ऐसा कुछ हुआ है कि हमने घर ही शिफ्ट कर लिया और उसमें हमें इतनी प्यारी वॉल मिली है। ये वो मतलब ब्रिक प्रिंट वाला, मतलब इसमें रेड वाला कलर नहीं है, बट ये ब्रिक शेप में बनाया हुआ है, तो हमने इसको डेकोर कर दिया है। एंड आई होप आपको ये पसंद आ रहा है, आई होप ये वीडियो में अच्छा दिख रहा है, आई होप कि जब हम ये शूट करें आपको वो अच्छा लगे। एंड नानू मैं तुमसे भी जानना चाहती हूँ, तो थोड़े थोड़े जो आइडियाज मैंने लगाए हैं यहाँ पे कि ये लगाते हैं इस तरीके से, आपको कैसा लग रहा है? वैसे देखो अभी एक्चुअल में हमारी लड़की जो है यहाँ पे एग्जैक्ट खड़ी है और ये एग्जैक्ट ऐसा ही दिख रहा है। So guys, एक, वैसे मैं आपको बता दूं कि
लगाया सारा नानू ने, मेहनत नानू की है। इसने अपने ऊपर पे गिरा भी लिया लगाते हुए। नहीं मैंने इसे वो चेक कर रही थी, मैं चेक तो, इतना चेक किया खुद के ऊपर गिरा ली। लगाया मैंने, नहीं लगाया नानू ने, आइडियाज मेरे हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है हमारी जुगलबंदी? बहुत सही, एक्चुअली बहुत सही लग रही है। पता तो हम एक बार यहाँ बैठ के थोड़ा सा गप्पे शप्पे कर ले, थोड़ा सा स्टैंड पे लगा दे फोन। आओ तू एक बार इधर पीछे देख, है ना प्यारा लग रहा है। टेंशन एंड गाइस We are in love with this our new decoration. कैसा लग रहा है? तो हमने सोचा कि अकेले अकेले बोलने से बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे को टिप्पणियां दे दें जरा कि कैसा लग रहा है। किसको? सुजी को। What time हो गया? So, how was it? So guys, actually हमें जानना है कि आपको ये वॉल कैसी लगी। तो दिस इज एंड टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक पूरा 99% जो क्रेडिट है वो इसको जाता है। क्यों? 1% मेरा है, इसने जहाँ जहाँ ऐसा डायरेक्शन दिया मैंने लगा दिया। ठीक है, लगाना भी तो इम्पोर्टेंट होता है। 1 लिया ना मैंने, 1% लगाना उतना ही होता है। अच्छा 30, थैंक यू। तो गाइस 30 मिल चुका है मुझे, तो भाई उसको साइड करता हूँ। एक्चुअल में ये जितना आपको दिख रहा है हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ लड़की यहाँ पे बैठी है हमारे साथ यहाँ का, और जो बाहर का भी आपने रिसेंटली देखा होगा वो हाफ साइकिल वाला, और उसकी वीडियो आपको मैंने बोली थी कि आपको इंस्टा पे पता चली जाएगी। कुछ लोगों ने एक्चुअली कमेंट में भी पूछा था कहाँ से लिया, कितने का आया, तो उसका ऑलरेडी आपको आंसर इंस्टाग्राम से मिल चुका होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे लग रहे हैं? मैंने जो लगाया वो कैसा लग रहा है? जो तुमने लगाया बहुत प्यारा लग रहा है, कि वायर्स यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वायर छुप चुके हैं गाइस, तो बड़े अच्छे तरीके से लगाए गए हैं वो। और यहाँ के लिए तो शायद थोड़ा थोड़ा मैं चेंजेस करती रहूंगी, क्योंकि मुझे डेकोरेटिव बहुत चीजें मिल रही हैं अपने पास अंदर, बहुत सारी चीजें इधर उधर से कुछ ना कुछ निकलती रहेंगी, कोई टेंशन। तो एक्चुअली ना हमारे बाहर जो दूसरे वाले घर में बाहर हॉल में कॉर्नर भी लगा हुआ था, कॉर्नर पे बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, तो वो अभी हम अंदर रखा हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, और वो कॉर्नर भी हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं लगाएंगे। प्लस हमारे पास ब्लैक कलर के शेल्व्स ही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लगेंगे, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट हमारे बेडरूम की, ये हमारा बेडरूम है, हमारे बेडरूम की एक वॉल हो चुकी है कम्प्लीट। आई एम सो हैप्पी कि वो अब मैं जब उठूंगी सोके तो मुझे अच्छा अच्छा वॉल देखने मिलेगा। मेरे को बड़ा मजा आता है, अच्छा अच्छा साफ सुथरा सा घर, एक वहीं का वहीं चीजें रखी है, जब आप उठ रहे हो या फिर घर आ रहे हो आपको हर चीज अच्छे से दिख रही है ना, मजा आ जाता है देखने में। और ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है, तो इसको इतना भी नहीं, तुझे कभी भी एक ऐसी चीजें पसंद नहीं है कि भाई वो एक ही जगह पे रहे, तो जब अकेले रहती है इट्स लाइक फैला के रहो कि लगे कि कोई रह रहा है। लोगों के दो तरीके के वो होते हैं थॉट्स, कि एक लोग होते हैं जिनको फैलाया हुआ घर ऐसा लगता है कि वो वहां रह रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि मुझे बिल्कुल ऑर्गेनाइज चाहिए, तो मुझे वो पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही कि तू कचरा करके रखती है, मैं ये नहीं कह रही। मेरी भी दो पर्सनालिटी है, अगर मैं अकेले रह रही हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे रह रही हूँ, फर्स्ट जो इसने बोला। सेकंड, अगर मैं इसके साथ हूँ तो मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ रखनी है, क्योंकि यहाँ रीजन आ गया ना भाई, पता है पसंद है तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो वही बात हो गई, क्योंकि इसको ये पता है कि मुझे ऐसा पसंद है इसलिए इसको ऐसा रखना है। देयर इज नो योर चॉइस, इट्स नॉट अबाउट चॉइस। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता रहता है। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा ये थोड़ा सा डेकोर? और यहाँ पे अभी थोड़ी सी चेंजेस होना और भी बाकी है, बेडरूम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने जैसा कि बोला आपको जो जो होता जाएगा वो आपको दिखता जाएगा। ये इसी की वजह से हम इनको बनाते हैं दो मेडल, ये देखिए इस वॉल को बनाने के लिए इनको मिलते हैं पूरे के पूरे दो मेडल। बन लेना फोटो खींच, एक यूरोप से मिला, अफ्रीका से। वाओ, इस वॉल के लिए ईवी शर्मा को मिले हैं दो दो मेडल्स। ओ वाओ, तालियां। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ही हम आगे बैठे रहने वाले हैं यहाँ पे, हमारी कॉफी, हमारी कॉल। अभी तीसरा हम यहाँ पे एक स्टूल लगाएंगे,
जिसमें ऑस्कर ऐसा खड़ा हुआ। तो यहीं पे आपको हमारी सारी डेट्स वगैरह मिलेंगी अब आने वाले टाइम पे। तो क्या पता हमारा मूड ऐसा चेंज हो कि हम इसको टेबल को साइड कर दें और यहाँ पे आपको बीन बैग मिल जाए। हम पागल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी आपको यहाँ पे हो सकता है नीचे गद्दे बिछा के मिल जाए, हो सकता है हम नीचे ऐसा कुछ नया इंटीरियर करके बैठ जाए, हो सकता है अभी आपको कुछ दिन में यहाँ पे ये जो साइड में बेड पड़ा रहता है हमारा जो पासपोर्ट साइज की फोटो लगी रहती है मरून कलर के बैकग्राउंड में वो ना दिखे। सो बहुत सारी चीज दिखेगा क्योंकि वो बहुत सारी पे डाला ही हुआ है, बेड तो हटाना ही है हमें क्योंकि बस एक वो निकल जाना। तो मुझे थोड़ा मेरे को दो चीजें चाहिए कि भाई इमीडिएट बेस पे निकले, कि ये बेड और एक जो किचन में रखी हुई एक्स्ट्रा वार्डरोब है वो नहीं चाहिए मुझे। मेरे को बहुत इरिटेट होने लग गई है वार्डरोब से। मुझे इससे होता है, मुझे वार्डरोब से क्यों होती है पता है, क्योंकि एक तो किचन की ना स्पेस कम हो गई है, जैसे वो हटेगी तो देखो कितनी बड़ी लगने वाली है। और मुझे वहां जो एक चेयर रखी है मुझे वो भी इरिटेट करती है। नहीं चेयर तो अभी के लिए मैंने उसको कुछ नहीं छेड़ा है क्योंकि वी नीड इट एट सम पॉइंट। तो बस डेकोरेशन चल ही रही है, धीरे धीरे चल रहा है चीजें। तो एक्चुअली हुआ ये कि इस मंथ ना इतना ही पैसा था जितना मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट मंथ आएगा पर नेक्स्ट मंथ हमारे ऑलरेडी बहुत खर्चे हैं, जैसे आपको बताया कि हम कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, तो अगर वो हो गया तो वहाँ भी जाना तो एनीवेज ऑफ कोर्स फिर खर्चे होने वाले हैं। तो शायद मैं डेकोरेशन का आइटम सामान वगैरह इतना ना ऑर्डर करूँ या फिर ना लाएं हम लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाकी भी करना है। बट ये तो चलते रहेगा धीरे धीरे, बट ये एक ऐसा है कि हाँ एक सेटअप करना था तो वो हो चुका है। Now it's nanny time. मेरा बेटा बहुत थक गया गाइस, तो इसको थकान को रेस्ट दे दिया जाए और यहीं पे ये व्लॉग एंड कर दिया जाए। तो गाइस प्लीज बार ये बता देना ये व्लॉग कैसी लग रही है। इतनी मेहनत करी हमने, तो इसी मेहनत इसी ईवी शर्मा की मेहनत के साथ करता है ये वाला व्लॉग एंड। आपको करना है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सबके लिंक। सो गाइस जल्दी करें और हमारे चैनल को 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं प्लीज। गाइस ये वो पुश्तैनी कंगन। बाय गाइस टू डर्स गिची गिची वो से आई लव यू। थैंक यू।